दीपांकर चौबे और रश्मि चौबे की बेटियां कला और प्रतिज्ञा कहने को तो सगी बहनें हैं, लेकिन दोनों के स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर है। एक ओर कला जहां जिद्दी और घमंडी किस्म की है, वहीं दूसरी ओर प्रतिज्ञा बहुत ही सुलझी हुई है। कला का रंग बहुत गोरा है, लेकिन प्रतिज्ञा सांवली है। कला को अपने रूप पर भी बहुत घमंड है। कला प्रतिज्ञा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। वो हमेशा उसे नीचा दिखाने की फिराक में रहती है। एक दिन की बात है, दोनों बहनें कॉलेज से अभी अभी घर आई ही थी। मम्मी मम्मी कहाँ हो तुम? तभी किचन से उनकी माँ बाहर आती है। अरे क्या हो गया, क्यों गला फाड़ रही हो? मम्मी इस लड़की को समझा तो मेरे रास्ते में ना आए, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे कौन सी लड़की? क्या मम्मी दिख नहीं रहा आपको या जानबूझकर नाटक कर रही है? मेरे बगल में कौन सी लड़की खड़ी है? गला तुझे क्या हो गया? वो लड़की तुम्हारी बहन प्रतिज्ञा है। मैं नहीं मानती। और हम दोनों का क्या मेल? मैं कहाँ इतनी सुंदर और ये काली कलूटी? कला की बात सुनकर उसकी माँ को बहुत गुस्सा आ गया। देखो कला, इतना घमंड ठीक नहीं है, घमंड किसी का नहीं टिकता। माँ मुझे लेक्चर देना बंद करिए और अपनी बेटी को समझा दीजिए कि वो कॉलेज में मेरे दोस्तों से दूर रहे। असल में कला कॉलेज में एक लड़के अश्विनी को बहुत प्यार करती थी। अश्विनी भी उसे बहुत प्यार करता था। अश्विनी शहर के जाने माने अमीर प्रकाश खंडेलवाल का इकलौता बेटा था। वो पढ़ने में बहुत ही साधारण था। प्रतिज्ञा ने नोट्स बनाने में उसकी कुछ हेल्प कर दी थी। उसके नोट्स के कारण ही अश्विनी कॉलेज के फर्स्ट ईयर में पास हो गया था। अरे थैंक्स यार प्रतिज्ञा, तू नहीं होती तो मेरी इज्जत का कबाड़ा हो जाता। अरे मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ नोट्स ही तो बनाए, पढ़ाई तो तू नहीं की है। पता है प्रतिज्ञा, तेरी यही बात मुझे बेहद पसंद है, तू किसी की भी मदद करके क्रेडिट नहीं लेती। चलो अब मेरी तारीफ ज्यादा मत करो, नहीं तो मैं गुब्बारे की तरह फूल जाऊंगी। उसकी इसी बात पर अश्विनी खिलखिलाकर हंस पड़ा। देख प्रतिज्ञा, तूने मेरी बड़ी हेल्प की है, इसलिए मेरा भी तो कुछ फर्ज बनता है। चल तुझे कॉलेज की कैंटीन में पार्टी देता हूँ। अरे मुझे कोई पार्टी वार्टी नहीं चाहिए। लेकिन अश्विनी ने उसकी एक न सुनी और कॉलेज की कैंटीन में ले गया। कैंटीन में दोनों खाते खाते बातें कर रहे थे, तभी कला वहाँ आ गई। अश्विनी के साथ प्रतिज्ञा को देखकर वो आग बबूला हो गई। क्या कर रही है, क्या कर रही है तू यहाँ अश्विनी के साथ? अरे क्या हो गया कला, मैंने इसे यहाँ बुलाया था। देख लड़की, तू अश्विनी से दूर रह, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कला ने सबके सामने प्रतिज्ञा की बहुत बेइज्जती की। बेचारी प्रतिज्ञा रोते रोते वहाँ से चली गई, लेकिन कला का मन अब भी नहीं भरा था, इसलिए वो घर में भी उससे लड़ रही थी। बहरहाल बात आई गई हो गई। कुछ दिनों बाद दोनों का कॉलेज खत्म हो गया। कला और प्रतिज्ञा के पापा दोनों की शादी के लिए लड़का देखने लगे। फिर उन्हें अपनी पत्नी से अश्विनी के बारे में पता लगा। अरे वाह, ये तो बड़ी ही खुशी की बात है। इतना अच्छा घर, इतना अच्छा परिवार हमारी बेटी को मिलेगा, तो इससे अच्छा क्या होगा। उन्होंने कला की शादी धूमधाम से अश्विनी से कर दी। लेकिन इस बीच एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घट गई। दीपांकर चौबे का रोड एक्सीडेंट हो गया और वो उसमें चल बसे। अब तो प्रतिज्ञा की सारी जिम्मेदारी उसकी माँ पर आ गई। दीपांकर चौबे जी के असमय गुजरने के बाद घर की आर्थिक स्थिति भी खराब हो गई। ऐसे में प्रतिज्ञा की शादी के लिए लड़का खोज पाना उसकी माँ के लिए बहुत मुश्किल था। मुझे तेरी फिक्र लगी रहती है प्रतिज्ञा, पता नहीं कैसे तेरी शादी होगी, हमारे पास तो बिल्कुल भी पैसे नहीं है। माँ तू ज्यादा परेशान मत हुआ कर, मुझे नहीं करनी कोई शादी वादी। नहीं बेटी, तेरे पापा तो चले गए हमें मझधार में छोड़कर, लेकिन मैं तुझे नहीं छोड़ सकती। बहुत मुश्किल से प्रतिज्ञा के लिए एक लड़का मिला जिसका नाम था आकाश। वो एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में क्लर्क था। बहुत ही सीधा साधा था वो। शादी के लिए उसकी कोई डिमांड भी नहीं थी। प्रतिज्ञा की शादी उससे हो गई। एक दिन की बात है, संडे का दिन था, आकाश और प्रतिज्ञा घर में थे। तभी कला उससे मिलने उसके घर अपनी महंगी कार में आई। प्रतिज्ञा को उसे अपने घर में देखकर बहुत आश्चर्य हुआ, लेकिन वो उसे देखकर बहुत खुश हो गई। अरे कला तू, तुझे बता नहीं सकती मैं तुझे देखकर कितना खुश हूँ। लेकिन कला तो वहाँ कुछ और ही मकसद से आई थी। उसने देखा कि प्रतिज्ञा का घर तो सिर्फ एक कमरे का था, उसी में पति पत्नी दोनों किसी तरह रहते थे। उसने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा कि अरे तू यहाँ रहती है इस कबूतर खाने में? ओह माय गॉड, कैसे रहती है तू इतनी छोटी सी जगह में? तुझे पता है हमने अपने नौकर को जो कमरा दे रखा है ना, वो भी इससे दो गुना बड़ा है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा ये तो बता, ये कबूतर खाना तेरा अपना है या किराए का? किराए का है कला, 2500 किराया है। आकाश की तनख्वाह सिर्फ 15,000 ही है ना, इस तनख्वाह में हम यही अफोर्ड कर सकते हैं। प्रतिज्ञा की बात सुनकर कला खिलखिलाकर हंस पड़ी और उसने कला से कहा 15,000? अरे 18,000 तो मैं अपने ड्राइवर को देती हूँ, वो देखो वो बाहर खड़ा मेरा इंतजार कर रहा है। सुनो अगर तुम चाहो तो आकाश को मेरे यहाँ ड्राइवर रख सकती हो, वो क्या है ना कि मेरे पास बहुत सारी गाड़ियां हैं,
हमें ड्राइवर मिल जाएगा और इसी बहाने तुम्हारे पति की तनख्वाह भी बढ़ जाएगी। ये कहकर कला अपनी लंबी सी गाड़ी में बैठ कर निकल गई। आकाश ने भी कला की बात सुन ली थी। उसे बहुत दुख हुआ, लेकिन वो प्रतिज्ञा की बहन थी इसलिए वो चुप रहा। प्रतिज्ञा भी समझ गई कि उसकी बहन आखिर यहाँ क्यों आई थी। फिर तो अक्सर ही कला उसके घर आने लगी और अपनी अमीरी की डिंगे उसके आगे मारने लगी। एक दिन की बात है, बहुत ही ज्यादा गर्मी पड़ रही थी। कला जब प्रतिज्ञा के घर आई तो प्रतिज्ञा ने उसे पीने के लिए मटके का ठंडा पानी दिया, जिसे देखकर वो आग बबूला हो गई। ये तू क्या लेकर आई है मेरे लिए, मटके का पानी? अरे तू खुद तो गरीब है ही, मुझे भी गरीब समझती है क्या? मैं मिनरल वाटर पीती हूँ, सिर्फ मिनरल वाटर। कला को प्रतिज्ञा का अपमान करने में बहुत मजा आता था। कभी वो नए गहने लेकर उसके घर पहुंच जाती, तो कभी नई कार, तो कभी कुछ और। इस बीच प्रतिज्ञा के जीवन में एक और घटना घटी। किसी कारण से आकाश की नौकरी चली गई। उसने दूसरी नौकरी के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन उसे नौकरी नहीं मिली। कला के पास तो अब प्रतिज्ञा को ताने देने के लिए एक और चीज मिल गई थी। वो अब आकाश के बेरोजगार होने का ताना भी उसे देने लगी थी। अरे तुम्हें तो पहले ही कहा था कि अपने पति को मेरे यहाँ ड्राइवर की नौकरी के लिए भेज दो, लेकिन तुमने ही नहीं भेजा। अब हमने नया ड्राइवर रख लिया है, तू बोले तो उसे मना कर देती हूँ, कल से आकाश को भेज देना। प्रतिज्ञा बार बार अपमान सहती, कभी अपना कभी अपने पति का। कुछ दिनों बाद कला ने उनकी हालत देखकर उनके घर आना छोड़ दिया। इस बीच एक दिन प्रतिज्ञा ने आकाश से कहा कि क्यों ना अपना काम शुरू किया जाए। आकाश को उसकी बात पसंद आई। उन्होंने छोले चावल का काम शुरू किया। ईश्वर की कृपा से काम चल निकला। उनकी दुकान हमेशा ग्राहकों से भरी रहती। अरे भाई फटाफट 3 प्लेट छोले चावल लगा दो। अरे भाई मेरे भी 2 प्लेट, और हाँ प्याज थोड़ा ज्यादा डालना। हाँ फिर तो दोनों ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। धीरे धीरे छोले चावल की वो रेहड़ी एक छोटी सी दुकान में बदली, फिर एक होटल में। यूं कहिए कि लक्ष्मी माता की कृपा उन दोनों पर शुरू हो गई। फिर उनका एक होटल शहर के कई होटलों में बदल गया। जल्दी ही उनकी गिनती शहर के रईसों में होने लगी। लेकिन एक दिन बड़ी अजीब सी घटना घटी। वो दोनों अपने होटल में बैठे थे तभी कला वहां आई, लेकिन आज वो किसी कार में नहीं आई थी बल्कि एक रिक्शे में आई थी। उसका चेहरा उतरा उतरा सा लग रहा था। अरे क्या हुआ कला, बड़े दिनों के बाद आई तो, और तेरा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? सब ठीक तो है ना? कुछ भी ठीक नहीं है प्रतिज्ञा, सब खत्म हो गया है। अश्विनी को बिजनेस में करोड़ों का घाटा हुआ है, ऊपर से उनके पार्टनर ने भी उन्हें धोखा दे दिया है। हम रोड पर आ गए प्रतिज्ञा, रोड पर। हमारा सब कुछ गिरवी पड़ा है, कल कोर्ट द्वारा हमारे घर की नीलामी हो जाएगी। अश्विनी के पास कोई काम भी नहीं है। उनकी बातों को सुनकर प्रतिज्ञा ने कहा, कला अगर अश्विनी और तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो हम कल ही एक नया होटल शुरू करने वाले हैं। अगर तुम चाहो तो अश्विनी वहाँ मैनेजर के रूप में काम कर सकता है। प्रतिज्ञा की बातों को सुनकर कला की आंखों में आंसू आ गए। उसे पुराने दिन याद आने लगे जब उसने सैकड़ों बार अपनी बहन और उसके पति का अपमान किया था। वो रोते हुए उसके पैरों में गिर पड़ी। अरे ये क्या कर रही है तू, पागल है क्या? तू मेरी बहन है, मेरी प्यारी बहन। मुझे माफ कर दे बहन, मैंने तेरा और आकाश का बहुत अपमान किया है। कला जीवन ऐसा ही है, कब बदल जाए पता ही नहीं चलता, इसीलिए हमें हमेशा जमीन पर रहना चाहिए, अपनों के साथ रहना चाहिए, अपनों के पास रहना चाहिए। तुमने जो किया उसका हमें कोई दुख नहीं है, तुझे एहसास है अपनी गलती का, हमारे लिए यही बहुत है। उस दिन के बाद कला बिल्कुल बदल गई, जीवन ने उसे एक नया पाठ जो सिखाया था। दोस्तों आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।